चलो जल्दी चलो। अरे ओ मुन्ना के बाबूजी, छटिया ही काटते रहोगे का? नेताजी को देखने नहीं जाना है, चलो जल्दी। हाँ चलो चलो। अम्मा जी कहाँ रखूं? फूल अंदर रखिए ना। अम्मा अम्मा वो लड्डू कहाँ पर रखवाएं? आगे आगे लड्डू। हाँ जाओ जाओ उधर रखो। अच्छा अब जगह कोना कोना छान मारे लौंडा दिख ही नहीं रहा है मुलायमबा। लौंडे को ठीक से खोजा नहीं होगा, चूहा बिल्ली है वो जो बिस्तर के नीचे घुस जाएगा। आप भी ना। अरे तुम तो मतलब कैसी बात करती हो। अरे आज लगन का दिन है यार, आज तो कम से कम चूहा बिल्ली ना बनाओ ना। अम्मा हमारी मेहंदी देखो। अरे वाह ये तो बहुत। अम्मा वो लड्डू वहाँ पर रखवा दिए। अरे वारे छुटकी अच्छी है ना तेरी मेहंदी तो जम रही है बहुत बहुत अच्छी है। ए बेटा मुलायम को देखो और ढूंढ के ले आओ। बाबूजी यहीं कहीं तो होंगे, कहाँ जाएंगे? उन्हें पता है कि आज उनका लगन है। जाके ढूंढना बेटा कहाँ रह गए हैं वो। मुझे हमको भी पता है, जाके ढूंढो। बड़े भैया को पता होगा। चलो बड़े भैया। अरे बड़े भैया आपको पता है कि भैया कहाँ पर है? बोरा गए हो, दिमाग सही है तुम्हारा? अरे हम खुद सहरा लेके ढूंढ रहे हैं कहाँ है मुलायम। ये लो मुझे कोई लड्डू ला रहा है, कोई फाजा ले आ रहा है, कोई फूल माला लेके आ रहा है, कोई सहरा लेके आ रहा है। ये बेटा सुनो सुनो, ये सहरा ना हमको पहना दो, तुम्हारी अम्मा के साथ दोबारा हम मंडप में बैठ जाते चलें। अरे बाबूजी ये मजाक करने का समय है। तो क्या करे, ढूंढो ना जाके। ए, तुम जाओ उसको ढूंढ कर लाओ। बड़े भैया मुझे नहीं पता। बेटा हमारी बात सुन, अगर बारात देर से गई ना तो हमारी नाक कट जाएगी। मेरे बच्चे जा जाकर ढूंढो उसे। अम्मा अभी जाओ भी देखो यार। जी भैया हम बता रहे हैं ये सबकी मिली भगत है। हाँ अब इसकी सुनो। कहाँ है हमारे लाल चुन्नी? किधर है? अरे वो बक्से पर रखा है बेटा। कौन सा बक्सा? तुझे ना चल चल बताती हूँ। परेशान होगा बोला। सुनो सुनो सुनो, दंगल के चाहने वालों दिल थाम के सुनो, आज इस अखाड़े में आखिरी कुश्ती होगी और हमारे साथ जो पहलवान है इनका नाम है हरी राम, और इनके साथ जो दंगल लड़ने के लिए आ रहे हैं उनका नाम है मुलायम सिंह यादव। तू है सिपाही, रुके ना रुके तू कभी, झुके ना हारे ना हमराही।
शिव गया उसे ढूंढने और वो भी गायब हो गया। कमाल करते हैं लोग। ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है समझे, ये ससुरे ना कटवाएंगे। कोई किसको ढूंढने नहीं गया और हमको मालूम है दंगल लड़ने गया है और दंगल से पेट नहीं भरता। अजी जाने दीजिए ना, आज के दिन तो ऐसा मत कहिए, सुबह से परेशान है हम। वैसे भी हमारी सुनता कौन है? आप चलिए अंदर चलिए, वो लोग आ जाएंगे। उसको ना ढूंढने जाएं, हमको अंदर कर दो। आप चलो। भी ना, चलिए अंदर चलिए। चुप। शांत आप भी ना, गजब के आदमी हैं। क्या हो गया? अरे उस्ताद, घर में सब इंतजार कर रहे हैं, भैया के दंगल की वजह से आप इनका लगन ही भूल गए हैं। अरे ये तो गजब हो गया, बाबूजी तो हम सबकी जान ले रहे हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं जल्दी चलिए, बारात लेके जाना है। बिल्कुल भैया, ये नोटों की माला पहन के जाएंगे भाभी को लेने। चलिए चलिए घर चलिए, बहुत तैयारी करनी है। अरे शिव तू तो जानता ही है, दंगल ही हमारा जीवन है। चलिए चलिए आ जाना। अम्मा, बाबूजी, बड़े भैया, छुटकी, भैया आ गए। अरे बिटुआ कहाँ चला गया था बिना बताए? हम सब कितने परेशान थे पता है? अरे अम्मा जाएगा कहाँ, जैसे मुल्ला की दौड़ होती है मस्जिद तक, वैसे मुलायम की दौड़ है अखाड़े तक। ये देखो माला वाला पहन के आए हैं जीत के। अरे भैया ये तो आपके लिए है। बड़े भैया, भैया दंगल जीत के आए हैं, इनाम के रुपयों की माला आपकी और जय जयकार भैया की। शाबाश, बहुत अच्छे भाई, सवेर से पता नहीं कहाँ गायब थे। अच्छा ये बताओ, नोटों की माला तो पहन ली है, अब मंडप में बरमाला कौन पहनेगा? तुम ही पहनोगे ना है? जाओ। अरे शर्माए रहा है, जा जा नादो के तैयार। नाम की मेहंदी लगाकर कोई तेरा इंतजार कर रही है, जल्दी करना, बहुत देर हो गई बेटा। शाबाश। काजल का टीका लगा दियो। हाँ। और हमार तो मन कर रहा है आज ना, एक बार हम तुमको जयमाला पहना दे फिर से। बस शर्मा आ गई। आपकी जगह यहां नहीं, मेरे दिल में है। आप हमारी जिंदगी में आए, बहुत आभारी हूं मैं आपका। एक बात बोलू, आज के बाद हम कोई दंगल नहीं हारेंगे। पता है क्यों? क्योंकि अब हमारी जिंदगी में तुम आ गई हो। सब मुख देखें चंद्र को, मैं मुख देख्या तो तुम ही हमारे चंद्र हो, मुख देख्या सुख हो, मुख देख्या सुख हो। रंग दे मोहे सजन अब तो अपने, जोड़ के मैं नैना वार गई तोरी सूरत पे।
चंदन का पेड़, खेलों में खेल कुश्ती का खेल। और हमारे आज के मुख्य आकर्षण के केंद्र जो अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस कुश्ती प्रतियोगिता में पहुंचे हैं, श्री नथुराम जी और एडवोकेट लखन सिंह जी का जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। मैं मुलायम सिंह यादव और वीरेंद्र पहलवान को अखाड़े में आने का निमंत्रण देता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मुलायम सिंह यादव अखाड़े में पहुंच चुके हैं। मैं वीरेंद्र पहलवान को आमंत्रण देता हूं कि वो जल्दी से जल्दी अखाड़े में पहुंचे। वीरेंद्र सिंह पहलवान, वीरेंद्र सिंह पहलवान अखाड़े में आ जाए। उस्ताद जी, वीरेंद्र पहलवान की तबीयत ठीक नहीं है, वो घर चले गए हैं। शांत शांत शांत। देखिए, हमें अभी अभी सूचना मिली है कि वीरेंद्र पहलवान की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से वो इस कुश्ती प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमने फैसला किया है कि मुलायम सिंह यादव को विजयी घोषित किया जाता है। ऐसे थोड़ी होता है, आपका माल है क्या? फाइनल का कुश्ती मैच है, बिना कुश्ती लड़े ऐसे कैसे विजय हो सकता है मुलायम? वकील साहब, लड़ने के लिए कोई दूसरा पहलवान होना तो चाहिए। अच्छा, अरे मुलायम, हमारे पहलवान से कुश्ती लड़ोगे या बिना मेहनत किए ऐसे ही इनाम लेकर जाओगे? वकील साहब, अखाड़े में आने के बाद पहलवान अगर दंगल ना लड़े तो उस पहलवान का अपमान होता है। आप भेजिए जिसे भेजना है। दर्शन, नहीं, सरजो को अखाड़े में उतारो। है मुलायम, जान सलामत तो सब सलामत, अगर डर गए हो तो अखाड़ा छोड़ दो। कुश्ती शुरू की जाए, फिर देखते हैं किसकी जान सलामत रहती है। कुश्ती प्रतियोगिता शुरू की जाए। मुलायम सिंह यादव मंच पर आए
और अपना इनाम ले। मैं हमारे मुख्य अतिथि से प्रार्थना करता हूँ कि वो इन्हें इनाम दे। अरे भाई इन्हें तो इनाम वकील साहब देंगे। अरे नहीं नहीं, अरे आइए वकील साहब। अरे लीजिए। अरे अरे आपने ये नायाब हीरा खो जाए। चलिए तालियां। जी बिल्कुल। ये तो बिल्कुल बेजोड़ कुश्ती थी मुलायम। इतना बड़ा कमाल तुमने कैसे कर दिया? राजनीति और दंगल में कोई फर्क नहीं होता सर, बस सही समय पर सही दाव लगाना पड़ता है। ताकत की जरूरत हो तो ताकत, अकल की जरूरत हो तो अकल, ऐसा करने वाला ही मैदान मारता है। वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा सुन सुन के कसम से कह रहे हम भी तो खूब बढ़िया झंझना रही है। ऐसा धाकड़ दंगल मारा है कि क्या बताए, पूरा का पूरा गांव में ससरा एक टाइम पे पॉपुलर हो गया लौंडा। इतना ही नहीं, हर गली हर मोहल्ला हर कूचे में जय जयकार हो रहा था मुलायम का। कहा बताए, हमार तो कलेजा फट रहा था जब नोटों का माला पहनकर इतरा रहा था। और तो और हमको बहुत दुख हुआ जब अपने अपने सरजुआ को चित कर दिया। कभी किसी ने सोचा था? नहीं। लायर साहब कसम से कह रहे हैं, एक नंबर का अव्वल दर्जे का गजब का पहलवान है वो मुलायम। हाँ। चाट ले साले के, और बंद करो उसका गुनगान। सुनो मालकिन, ये बताओ, ये मुलायम जो है ये दंगले मारता रहेगा कि जिंदगी में कोई नौकरी चाकरी भी करेगा? जब तक वो छात्र राजनीति में था नेतागिरी कर रहा था, गांव में इसके यहाँ खा लिया उसके यहाँ खा लिया कोई विरोध नहीं करता था, लेकिन अब पूरा गांव जो है विरोध कर रहा है, बताओ क्या करे? हम समझ रहे हैं आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, छोड़िए ना गांव वालों को, जाने दीजिए। मालकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि बीएड के बाद भी कुछ करने का इरादा है या ऐसे दंगले मारता रहेगा? अध्यापक के लिए उसने अर्जी तो दिया है ना? अर्जी देने से कुछ नहीं होता, फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है भाई, समझाओ। देखिए कोशिश तो कर रहा है ना वो, का ही जल्दी कर रहे हैं आप बाबूजी। अरे शिव बता रहा था, पूरे गांव में जय जयकार हो रही है, नोटों की माला पहनाई जा रही है तुम्हारे मुलायम को। ए शर्मा गई है सुन। शर्माएगी ना बेचारी, तुमरा मुलायम जो कह रहे थे आप। मुलायम की लुगाई ने तो पूरा घर संभाल लिया है। पहलवान मालती सिंह यादव लग रहे ना, बिल्कुल पहलवान की लुगाई है। कोई जो हमें चित कर सके? पहलवान की लुगाई नहीं, बुरी पहलवान लग रही हो, और इस पहलवान को अगर कोई चित कर सकता है तो वो सिर्फ तुम।
बाबूजी। हाँ। प्रणाम। जल्दी बोल जल्दी। हमारी नौकरी लग गई है। अच्छा है। जहाँ पढ़ते थे वही पढ़ाएंगे। हाँ ठीक है, आते हैं तो सुनते हैं, अभी हमको जाना है। चलो भाई नारे लगाओ। अरे जाना तो जाइए, किसी झंडे की बात पड़ेगा। अम्मा शिव। चलो फिर हाँ, बाद में मिलते हैं। चलो okay. बारो मीता, बाद में मुझसे नीचे आके मिलना। ओके मिलते हैं। बैठो। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रेमचंद की कहानी से किसानों के योगदान की चर्चा की थी, और आज के इस क्लास में हम भारतीय नारी के स्वतंत्रता संग्राम के योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अपनी अपनी किताबें खोलिए। माला। यस सर। दीपा रुखसाना क्लास में नहीं आ रहे 2-3 दिन से। पता नहीं सर। और प्रभा? सर उनके बाबूजी से मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा 3-4 दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, बैठ जाओ। तो बच्चों, आज का हमारा विषय है स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है। So get the draft typed and send it to the office. प्लीज। देखिए, एक एक करके सवाल पूछिए, सर सबका जवाब देंगे। सर 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 सर, आपकी ये कौन सी पॉलिसी है जो आपने अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार करने की सलाह दी? मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा। देखिए, मेरा मानना है अंग्रेजी को अपने ऊपर मत ला दो। भाषा की जितनी जरूरत है उसे उतना ही इस्तेमाल करो। लेट योर साइंसेस मैथमेटिक्स बी इन इंग्लिश, बट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हैज टू बी द लोकल लैंग्वेज। सर सर, ये जो सरकार ये से हिंदू मुस्लिम जात पात को क्यों बढ़ावा दे रही है? देखिए, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाया था और उसी को बेस बनाकर वर्षों तक हुकूमत की, और उनकी पॉलिसी की वजह से हम आपस में लड़े भी है ना। बट सर, सर देखिए, द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज यूजिंग द वेरी सेम टैक्टिक्स। सर बट व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट हु हैज नॉट फुलफिल्ड द प्रॉमिसेस गिवन टू द पेजेंट्स? अगर देश के किसानों की हालत नहीं सुधरी तो आने वाला कल अंधेरे में खो जाएगा। सर, इस तरह सिंचाई का रेट बढ़ता जाएगा तो आगे जाके क्या होगा? दे विल किल देमसेल्व्स, आत्महत्या करेंगे। इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। और ये मत देखना कि अत्याचारी कौन है। याद रखना, जिंदा कौम में 5 साल तक कभी इंतजार नहीं करती हैं। ऑल राइट सर, एक लास्ट क्वेश्चन सर, वन लास्ट क्वेश्चन। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। अरे दीपा जी। सर क्या बात है, बड़े दिन बाद खोले जा रही हो, तबीयत तो ठीक है ना? जी सर, वो कुछ किताबें लौटाने आई थी लाइब्रेरी में। अच्छा अच्छा जी। सर मेरा लगन हो चुका है, कल से नहीं आऊंगी। और तुम्हारी दोस्त लक्ष्मी, प्रभा, रुखसाना, वो क्यों नहीं आ रही? लक्ष्मी के चाचा ने तो उसका कॉलेज आना ही रोक दिया है, और रुखसाना उसकी शादी हो गई। प्रभा के साथ एक बड़ी घटना हुई है। घटना? लेकिन वो शादी के बाद भी कॉलेज आ रही थी। अब मैं आपको क्या बताऊं सर,
हम लड़कियों की किस्मत ही ऐसी होती है। दीपा लट्टू राम जी, कल्प के आंदोलन की सख्त जरूरत है। देश के किसान किस देश का भविष्य है, उनके साथ क्या हो रहा है आप तो अच्छी तरह जानते हैं। किसानों की कर्ज माफी को लेकर कहां कहां आवाज नहीं उठाई, लेकिन सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं साहब, और आत्महत्याओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। खुदकुशी की संख्या और ना बढ़ जाए, इसलिए आपाशीय आंदोलन हो रहा है। क्या बचता है इनके पास, कौड़ियों के दाम अपना अनाज बेच के अपना पेट पालने तक के लिए पैसा नहीं बचता। ऐसी व्यवस्था को तो जला के राख कर देना चाहिए। नहीं नथुराम जी, विरोध प्रदर्शन हमारा हक है और वो हम करेंगे। हमें मालूम है आप जैसे लीडर की रहनुमाई में कल का आंदोलन बहुत शांतिपूर्वक होगा। देखिए, प्रशासन का सम्मान हम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन आपसी के खिलाफ आंदोलन का जो रोष लोगों में है वह भयानक है साहब। एक कहावत मशहूर है नथुराम जी, अगर बिल्ली को कमरे में बंद करके मारेंगे तो वो अपने बचाव के लिए आपकी आंख नोच डालेगी। सारे देश की यही हालत है, बस ये धरना शांति से हो जाए। क्या गलत बोला मैंने, बोलिए। ऐसे घूर घूर के मेरी तरफ मत देखिए आप लोग। आज उस मासूम प्रभा को गांव वाले अस्पताल लेकर गए हैं, क्यों? क्योंकि उसकी उम्र मां बनने की नहीं है। आज प्रभा जैसी ना जाने कितनी लड़कियों पर ऐसा अत्याचार हो रहा है, जानते हैं क्यों? क्योंकि शिक्षा नहीं है। अब बेटी शादी करने लायक थी तो शादी कर दी, शादी हो गई तो बच्चा भी होगा, अब इसमें हमारा क्या कसूर है? दोष आप ही का है। बच्ची सियानी हो गई, ब्याह दे दिया, बस जिम्मेदारी खत्म। कभी भी आप लोगों ने सोचा है कि बेटी को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, इस देश की सेवा में लगाए? भाषण करने से क्या फायदा मास्टर जी? मैं ये भाषण इसलिए कर रहा हूं ताकि उनकी कच्ची उम्र में उनका ब्याह देकर उनकी जिंदगी न खराब करें आप लोग। बेटियों को शिक्षा की जरूरत है, उन्हें शिक्षा दीजिए। एक औरत जब शिक्षित होती है तब एक घर शिक्षित होता है, जब एक घर शिक्षित होता है तब एक पीढ़ी शिक्षित होती है, और वही पीढ़ी एक मजबूत देश भी बनाती है। एक मां ही है जो अपने बच्चे को अपने बाप का पहचान करवाती है, वो मां ही है जो घर बैठकर अपने बच्चे को होमवर्क करवाती है। और उस मां से अगर शिक्षा को दूर कर दिया जाए इस देश में तो अंधेरा छा जाएगा। अब ये फैसला आप लोगों को करना है कि आपको एक मजबूत देश में रहना है या अंधेरे में खो जाना है। हर अपोजिशन वाला आग लगाता है आग। लोहिया साहब ने वही किया, 5 साल तक जिंदा कौमें इंतजार नहीं करती। इतने बड़े पढ़े लिखे लीडर ने ऐसे भड़काना नहीं चाहिए था। आपने सुना है क्या? नहीं, पूरे जिले में सिंचाई रेट को लेकर आंदोलन शुरू होगा। आज दोपहर को 2 बजे वीडियो ऑफिस घेरा होगा। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आपाशी का रेट कम करो, कम करो, कम करो। देखिए
आप लोग कानून को हाथ में मत लीजिए, अपने अपने घर चले जाइए। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बस बस बस, चीखना चिल्लाना बंद कीजिए। बहुत देर से देख रहा हूँ आप लोगों का ये नाटक। सरकार की गलती और अत्याचार के खिलाफ होने वाले विरोध को आप नाटक मत कहिए। ये विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। और देख लीजिए कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। सरकारी दफ्तरों का घेराव करना, इसे आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कहते हैं? जब सरकार हमारी समस्याओं से मुंह मोड़ के कान में तेल डाल के सो जाए तो उसे उठाने के लिए जनता को मजबूरी में चीख चिल्लाकर उसको जगाना पड़ता है, तभी आंदोलन करना पड़ता है। और यदि अपासी का रेट कम नहीं हुआ तो आग लग जाएगी। आग लगाने की बात कर रहे हैं और इसे आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कहते हैं? मैं वापस चेतावनी दे रहा हूँ आप लोगों को, अपने अपने घर चले जाइए। आग लगेगी और इन पुतलों में आग लगेगी। अपने अपने घरों को चले जाइए। हेलो पुतला, दो पुतलों को वापस जाइए। जुलूस में पुलिस। अबे बोल, लाठी चार्ज कर रही है वहाँ पे। बाबूजी भी है वहाँ। शेफ, हाँ भैया। शेफ जल्दी चल बाबूजी। अरे क्या हुआ, काहे भाग रहे हो, क्या हुआ? आई एम, सुनो। हे भगवान, हम कितना मना किए रहे हैं पर हम भी सुनते कहाँ हैं। अगर कोई चित कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। दरोगा जी आप गलत कर रहे हैं। हमें समझा रहा है, सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाकर हीरो बनने जा रहा है। लीडर बनना इतना आसान है, अब रह दे अंदर। साहब ये डेमोक्रेसी है, यहां पर सबको बोलने का हक है। हिटलर का राज नहीं चल रहा है,
और भैया ही क्यों, हर भारतवासी को सरकार की नीति गलतियों के खिलाफ बोलने का पूरा हक है। ओ भाई, हमको मत समझाओ, जाओ जाके कोर्ट से जमानत के पेपर लाओ, तभी बाहर आएगा ये। और जब ये सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था, तब काहे नहीं रोका उसे? देखो, कानून को कानून का काम करने दो, चलो निकलो। वकील साहब, इनको कानून दिखाइए। पांडे, मुलायम को लेके आओ। ए, उठो, तुम्हारी जमानत हो चुकी है, ये लो कपड़ा पहन लो। ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो, ये पुलिस का डंडा है ना, अच्छे अच्छे की हेकड़ी निकाल देता है। और सरकार सरकार होती है, आई बात समझ में? चार आदमी का झुंड लेकर सरकार पलट दोगे? ऐसी सरकार को हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं है। भैया सुनो, अच्छे अच्छे सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ सके, तू क्या कर लेगा, तेरी औकात क्या है? आपको नहीं लगता कि आप एक निर्दोष व्यक्ति से जरूरत से ज्यादा सख्ती से पेश आ रहे हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप सरकार नहीं हैं, सरकार के मातहत हैं। किसी राजनीतिक दल के उद्दंड कार्यकर्ता की तरह व्यवहार मत कीजिए। समझे? हीरो बनने की कोशिश मत करो, ये पुलिस का डंडा है ना, अच्छे अच्छे की हेकड़ी निकाल देता है। आई बात समझ में? चार आदमी का झुंड लेकर सरकार पलट दोगे? तेरी औकात क्या है? तेरी औकात क्या है? तेरी औकात क्या है? तेरी औकात क्या है? भैया, भैया, आप ये जो फैसले ले रहे हैं, आप सोच समझ के ले रहे हैं ना? भैया, क्या आप ये सब छोड़ देंगे? भैया, भैया, क्या आप दंगल के बिना जी पाएंगे? मैंने सुनना सीखा है, सहना सीखा है, अब लड़ना भी सीख लूंगा। एक बात याद रखना शिव, मैंने अखाड़ा बदला है, दंगल नहीं छोड़ा। भैया, भैया, कह रहे थे कि आप दंगल छोड़ रहे हैं। मालती, जिंदगी एक जंग है, एक युद्ध है, कभी अपने आप से तो कभी समाज से। जंग का नजरिया बदलता है, तरीके बदलते हैं, मगर इंसान की जिंदगी से वो संघर्ष, वो युद्ध कभी खत्म नहीं होता। आज के बाद दंगल नहीं, राजनीति की कुश्ती होगी। कहीं राजनीति की आग में हमारा मुन्ना?
सच की हमेशा जीत होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम अपनी बात रखेंगे। नमस्ते। नमस्ते। गिरफ्तारियां देनी होंगी देंगे, लाठियां खानी होंगी खाएंगे। ये किस तरह का आचरण है सरकार का? युवाओं पे लाठी चार्ज, महिलाओं पे लाठी चार्ज, ये भूल रहे हैं कि हम अपने लोकतांत्रिक हक किसी को छीनने नहीं देंगे। ये जो कुर्सी पर बैठे लोग सरकार चला रहे हैं, वे शायद भूल रहे हैं ये कुर्सी हमने उन्हें दी है, और कुर्सी हम उनसे छीन भी सकते हैं क्योंकि वोट देने की ताकत हमारे पास है। और सरकार अगर हमारे हाथ में आ जाए तो? ये इतना आसान नहीं है मुलायम। आसान नहीं है मगर असंभव भी नहीं है। बस एक मौके की तलाश में हूं नथुराम जी, दुनिया को बता देंगे कि सरकार कैसे और किसके लिए चलाई जाती है। लग रहा है जेल की काली रातों से तुम्हारा हौसला टूटा नहीं है, नहीं तो जिस तरीके का अत्याचार जुल्म सरकारें कर रही है, अच्छों अच्छों की हिम्मत टूट जाती है। वो हिम्मत ही क्या जो टूट जाए। मैंने फैसला कर लिया है, अब दंगल की जगह राजनीति की कुश्ती लड़ूंगा। मुलायम, राजनीति के दांव पैंच दंगल के दांव पैंच से बहुत अलग होते हैं, और ये स्कूल या कॉलेज नहीं है कि चार घंटे पढ़ाए और घर की तरफ चल दिए। निस्वार्थ राजनीति कुर्बानी मांगती है, और वो कभी कभी मान की या जान की हो सकती है। मेरा इरादा पक्का है सर, और मुझे विश्वास है अगर आप कोशिश करेंगे तो मैं अपनी मंजिल देख पाऊंगा। एक बार फिर सोच लो। जिंदगी एक वन वे है जिसकी कोई वापसी नहीं। मेरे लिए सियासत या राजनीति उसी तरह का वन वे है। अगर आपने अपना हाथ नहीं बढ़ाया तो मुझे मजबूरन किसी और के दरवाजे पे दस्तक देना पड़ेगा। एक बात मैं यकीन से कह सकता हूं, मुझे जेल से छुड़ाने के पीछे आपका कोई ना कोई मकसद जरूर है। चलता हूं। साहब, आपने मुलायम का नाम तो सुना होगा, हमारे क्षेत्र का है, अपासी रेट विद्रोह में बढ़चढ़ का हिस्सा लिया है, पुलिस का अत्याचार भी सहा है। छात्र नेता के हैसियत से काफी चर्चा होती है जी, इसीलिए हमारा आग्रह है कि मुलायम को हमारी पार्टी अपने उम्मीदवार के तौर पे उतारे। इतनी जल्दी? डॉक्टर साहब, ताजा तूफान है, सही दिशा मिल गई तो बड़े बड़े खेमे को उखाड़ फेंकेगा। देखो जी सर, कल एक पार्टी मीटिंग का इंतजाम करो। शुभरात्रि। चाय पियेंगे एडवोकेट साहब? इस वक्त चाय नहीं पीते हम। कभी हमारे साथ चाय भी पीकर देखिए, अलग नशा है इसका। आप तो जानते हैं हमारा नशा। सत्ता का नशा है आप लोगों को, बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है, और नशे में रहकर सत्ता कभी चलती ही नहीं। हाँ, ये तो अंगूर खट्टे होने वाली बात कर रहे हैं। वैसे कोशिश तो बहुत करते हैं आप लोग भी, लेकिन सत्ता का नशा कुछ और होता है। जो सत्ता जो सरकार सिस्टम को सड़ा दे, वैसी सरकार में हमारा विश्वास नहीं। आपकी सोच तो 5 साल पहले ही सत्ता पलटने की बात कर रही है। घुट घुट कर जीने से तो अच्छा यही होता है ना।
लखन बाबू, आपकी और आपके लोगों की सोच कुछ और ही है। आपका इशारा नथुराम की तरफ है। लखन बाबू, हर पार्टी में कुछ मील के पत्थर होते हैं और नथुराम जी हमारे पार्टी के मील के पत्थर है, और मील का पत्थर दिशा निर्देश करता है। मील का पत्थर? हाँ हाँ, वो जो सड़क के किनारे होता है वो, मतलब इटावा 20 किलोमीटर, दिल्ली 300 किलोमीटर, कोई लड़का आकर लास्ट में जीरो मिटाता है तो 30 किलोमीटर हो जाता है, वही मील का पत्थर। वही हर चीज को देखने का अपना अपना नजरिया होता है। आपके लिए मील का पत्थर एक पत्थर का टुकड़ा है, और मेरे लिए उस टुकड़े पर लिखा है किलोमीटर मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता है। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। देश को शिक्षा की जरूरत है, बेशुमार नौजवानों को शिक्षा देनी है, खासकर लड़कियों को। जब से शिक्षक बना हूं एक सपना देख रहा हूं, एक उज्जवल देश का सपना। एक शिक्षित भारत का ख्वाब। एक बात बोले, कभी कभी ना नाव को लहरों के सहारे छोड़ देना चाहिए। क्या कह रहे हैं नथुराम जी आप भी? इस सियासत है कोई दंगल नहीं, एक नया चेहरा जिसने छात्र राजनीति में छोटा काम किया है उसे आप किसके आगे खड़ा करना चाहते हैं? उस कांग्रेसी लखन सिंह के आगे? लेकिन भदौरिया साहब, किसी भी पार्टी की जान है युवा शक्ति। यूथ की इस शक्ति को बढ़ावा नहीं देंगे तो अपने मकसद में हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल सच है, लेकिन टिकट किसको दिया जाएगा ये पहले ही तय हो चुका है, सिर्फ लिस्ट आने की देर है। अब इसमें इस मुलायम सिंह को हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, ये तो नामुमकिन है। सही बात है, सही बात है, सही बात है जी। यदि ये नामुमकिन है तो हम मुमकिन किए देते हैं। डॉक्टर साहब, मुलायम के लिए हम अपनी सीट प्रस्तावित करते हैं। इसका मतलब इस चुनाव में हम एक सीट हारेंगे। भदौरिया साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे प्रदेश में हमारी पार्टी सिर्फ एक सीट जीतती है, वो है हमारी सीट। डॉक्टर साहब, हम हमेशा से अपनी पार्टी के एक अनुशासित और आदेश मानने वाले कार्यकर्ता थे और आगे भी रहेंगे। मुझे अपने विश्वास का इम्तिहान लेने दीजिए। क्योंकि मुझे मुलायम पे विश्वास है। डॉक्टर राम जी, बैठिए प्लीज, प्लीज। जी। इटावा का दौरा कब है? 14 जुलाई सर, परसों। 14 जुलाई यानी परसों इटावा का दौरा है मेरा। मैं मुलायम से मिलना चाहता हूं, फैसला उसके बाद होगा। नथुराम जी को बहुत विश्वास है तुम पर। ये तो उनका प्यार है सर। प्यार और विश्वास का अलग मुकाम होता है।
नथुराम जी का विश्वास मेरे सामने है, क्या मैं उस पर विश्वास कर सकता हूँ? मैं किसी भी इम्तिहान से गुजरने को तैयार हूँ सर, क्योंकि मैंने सुनना सीख लिया है और सहते कैसे हैं उससे वाकिफ हूँ मैं। बस लड़ना बाकी है। राजनीति में जीत की खुशी और हार का गम सहना भी आना चाहिए। जंग जब बुराई के खिलाफ हो तो लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए जब तक बुराई खत्म ना हो जाए, ये मेरा विश्वास है। नतीजा चाहे कुछ भी हो। नथुराम का कहना है कि अगर तुमको तुम्हें एक मौका दे दिया तो बहुत कुछ बदल दोगे। सर, मैं आपके और नथुराम जी के विश्वास को कभी रुसवा नहीं होने दूंगा, ये वादा है मेरा। आशीर्वाद दीजिए सर। अम्बा को तो पता ही नहीं है कि वो किससे टकरा रहा है। ससुर का नाम दिया। हाई कमांड से ऑर्डर आया है, कहा है अब की बार कांग्रेस सरकार को उस सीट पर जीतना ही होगा। जीत तो समझिए हो ही चुकी है, नथुराम ने सीट छोड़ी मतलब जीत पक्की आपकी। और लायर साहब के खिलाफ कौन हो जा सकता है का? हम जम के प्रचार करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, और नहीं तो का। और हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो असला का भी इस्तेमाल हो ही जाएगा समझो। अजय लायर साहब इस गंदे खेल में दो चार टपक भी जाते हैं तो का फर्क पड़ता है। मोहब्बत और जंग के मैदान में सब कुछ जायज है। तुम अपना जलवा दिखाओ, प्रचार में लग जाओ। क्या? ले जाओ। प्रणाम। प्रणाम। चलते हैं, जल्दी मिलते हैं। कहूं या मानूं इसे मैं बेमानी, ऐ खुदा तूने की ना जाने कैसी ये नादानी।
दिल है ये बेजुबान, प्यार है बेपनाह, और इतनी सी है ये जिंदगानी। हुजूर आपका शुक्रिया शुक्रिया कि दिल को धड़कने का मौका दिया। हुजूर आपका शुक्रिया शुक्रिया कि दिल को धड़कने का मौका दिया। हुजूर आपका शुक्रिया शुक्रिया। दिल लगी मैं कहूँ या मानूँ इसे मैं बेमानी। ए खुदा तूने की ना जाने कैसी ये नादानी। हुजूर आपका शुक्रिया शुक्रिया कि दिल को धड़कने का मौका दिया। हुजूर आपका शुक्रिया शुक्रिया कि दिल को धड़कने का मौका दिया। हुजूर आपका शुक्रिया शुक्रिया। बहुत छोटी लगे ये रातें बहुत। करनी मुझे हैं बातें बहुत छोटी लगे ये रातें बहुत। है चांदनी न इतना महक कि न जाए बहक बेवजह। हुजूर आपका शुक्रिया शुक्रिया कि दिल को धड़कने का मौका दिया। हुजूर आपका शुक्रिया शुक्रिया कि दिल को धड़कने का मौका दिया। हुजूर आपका शुक्रिया शुक्रिया। हमने गोली निकाल दी है, अभी घबराने की कोई बात नहीं है, वो खतरे से बाहर है। धन्यवाद भैया। 24 घंटे, 24 घंटे में जिसने भी गोली चलाई है ना, कदमों में रहेगा आपके। वो नहीं छोड़ेंगे उसे, नहीं छोड़ेंगे उसे, नहीं छोड़ेंगे। ये तुम्हारा काम नहीं है शिव, ये कानून का काम है, कानून को ही करना है। क्या हुआ? बहुत डर गए थे। हट पगली, कुछ नहीं हुआ मुझे। ये देखो तुम्हारे सामने खड़े हैं, कुछ नहीं। असला इस्तेमाल करेंगे। हाँ, यही असला इस्तेमाल किया है। 10 फीट की दूरी पर, 10 फीट की दूरी पर उसके बाल नहीं उखाड़ सके। देखता दिल्ली चलता बंबई। ए चचुंदर, उसने तेरा चेहरा तो नहीं देखा ना? देख लिया ना तो समझ लेना गया तू बत्ती छड़ के पीछे। लाल साहब, आप तो है ना। अरे हम क्या घंटा उकाड़ लेंगे उसका। नौटिंगी करने चले थे, वो भी बुरका पहनकर। मारना था नेता को, मार दिए उसके चेले को। ए राजनीति में जिसकी लेनी है ना उसी की लो, वरना बाद में वो तुम्हारे लिए ले लेगा। और अगर बुरखा उतर जाता तो मालूम है क्या होता?
उसके भाई का नाम शिव है, शिव चीर देगा, अपने भाई के लिए जान भी दे देगा। अलापट तो मेरी रही है, सारे घर वाले परेशान हैं। राजनीति की कैसी आंख है, जो हम सबको जला देना चाहती है। आग लगाने वाले अक्सर ये भूल जाते हैं कि हवाओं ने अगर अपना रुख बदल दिया तो उनकी लगाई हुई आग उनको ही जला देगी। एक बात पूछिए, गोली किसने चलाई थी? छुट्टी नहीं मिल सकती, मालूम है ना तुमको, त्योहार में छुट्टी मिलती है क्या पुलिस को? खड़े का है हो जाओ। अरे पांडे, किधर है पांडे? हल क्या पांडे? प्रणाम वकील साहब। अचानक कैसे आना हुआ? बैठिए बैठिए ना। अरे वो विधायक जी के यहाँ गोली चली थी ना, उसकी जांच कहाँ तक पहुंची? सरकारी जांच है सर, थोड़ा समय तो लगेगा, आप तो जानते ही हैं। अरे हम जानते हैं, लेकिन थानेदार साहब शायद आप नहीं जानते, हमरे लायर साहब का पार्टी हाई कमांड से कितना अच्छा रिलेशन है। इतना अच्छा रिलेशन है कि संजय भैया के बुलावे पर दिल्ली जा रहे हैं। सुनो दर्शन जी, ज्यादा इतिहास न झाड़ो, समझे? अरे हमको भी ऊपर से निर्देश आता रहता है भाई। हाय, अब इतना प्रेशर में काम कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे पुलिस का ड्यूटी क्या होता है। आप निर्देश पे ही काम करते रहिए, आराम से, समझे? यही बताने आए थे। हेलो सर, चाय? चाय नहीं चाहिए, प्रेशर मत लो, काम करो। ऐसा दिखाओ, जांच कर रहा हूं। अरे शिव, कुछ पता चला किसने गोली चलाई थी? हमने अभी पुलिस से वही बात की, जल्दी जल्दी पता कर। एडवोकेट साहब, राजनीति में जब दांव पे शुरू हो जाते हैं ना, तो सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाता है, किसने साजिश रचाई, किसने गोली चलाई, सब कुछ। जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि ये गंदा खेल बड़ी सफाई के साथ खेला जाता है। पुलिस जाने ना जाने, आप तो जाने गए कि गोली किसने मारी। सिर्फ मौके की तलाश है सर। महाभारत में किसी ने किसी को अपनी जांग पर बैठने को कहा था, उस कायर का क्या हुआ यह जानने के लिए किसी पंडित से महाभारत सुन लेना। एडवोकेट साहब, अगर हमारा निशाना आप है ना, तो आप ही रहेंगे, कोई और नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम महाभारत के अर्जुन हैं, और हौसले का दूसरा नाम मुलायम सिंह यादव है। जिसने भी गोली चलाई है ना सर, उसने बहुत बड़ी गलती की है। चलते हैं। ये छछुंदर भोकाल देखा क्या उसका? बच गया अपन। बुर्का पहनकर कोई गोली मारता है क्या? दिमाग के बदले में गोबर भरा तो साला चल। मुलायम, तुम्हें इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम जानते हो ना, इस कॉलेज के बच्चे तुम्हें कितना पसंद करते हैं। जानता हूं मैडम, लेकिन इस तरह से अच्छा नहीं लगता कि मैं दोनों जगह से रसीदी टिकट लगाकर इस तरह वेतन लूं। कानून का तो पता ही है आपको, और वैसे भी जब से विधायक बना हूं कॉलेज को समय कहां दे पा रहा हूं। कहीं ना कहीं ये बात मेरे दिल को चुभती है। तरीके से काम नहीं किया तो उंगलियां उठनी शुरू हो जाएंगी चारों ओर। तुम्हारे सिद्धांत और असूलों की कितनी चर्चा हो रही है मुलायम, मुझे तुम पर गर्व है। धन्यवाद मैम, आप सबकी बहुत याद आएगी। कुछ ऊंच नीच हुई हो तो माफ कर दीजिएगा, चलता हूं।
शायद आप इन्हीं के बारे में कह रहे थे। धन्यवाद मुलायम। मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे। तुमसे बहुत बातें करनी थी मुलायम, लेकिन दिन पर दिन मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। देश के किसानों की हालत अगर नहीं सुधरी तो देश बिखर जाएगा। किसान देश की ताकत है। देश को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की जरूरत है। जात पात के झगड़े खत्म होने चाहिए। एक बात याद रखना मुलायम, जिंदा गांव में 5 साल तक सरकार बदलने के लिए कभी इंतजार नहीं करती। सर, सर, इंतजार नहीं सर। डॉक्टर, नर्स। इलाज कराया मगर मौत का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। काफी सदमा पहुंचा होगा मुलायम को। मुलाकात होती तुम्हारे जिक्र जरूर होता था। एक दिन तो यहां तक कह दिया कि अगर मुलायम जैसे 4 नेता मिल गए तो इस देश की किस्मत ही बदल जाएगी। बहुत उम्मीद थी उनको तुमसे। तुम यूपी की जान हो ऐसा विश्वास करते थे तुम पर। इस विश्वास को मरने मत देना। डेमोक्रेसी में विरोध मजबूत हो, 5 साल तक जिंदा कौमें तख्त पलटने का इंतजार न करें, देश हित सर्वोपरि हो, नेशन फर्स्ट, ऐसे आदर्शों और नीतियों पर आधारित थी डॉक्टर लोहिया साहब की राजनीति। विरोध मजबूत हो ऐसा तो आपका भी चाहना है। किसान रैलियों में एकजुट होकर सरकार का विरोध
ये तो आप ही का नारा है ना। वैसे भी क्रेड इंडिया एक मजबूत पार्टी के तौर पर उभरी है। पार्टी बनाना और पार्टी चलाना बहुत मुश्किल है ना थोड़ा। पार्टी को चलाने के लिए मजबूत हाथों की जरूरत होती है। बीकेडी को ऐसे ही मजबूत हाथों की जरूरत है। डॉक्टर आ गए सर। मुबारक हो, बेटा पैदा हुआ। बधाई हो भैया। मुबारक हो। चल अम्मा, चल चल बधाई हो। कुछ आपसे बात करनी है, प्लीज चलिए। भाइयों और बहनों, भैया को बेटा हुआ है। मुलायम सिंह, मुलायम सिंह, मुलायम सिंह। बेटा तू बहुत किस्मत वाली है। तूने देखा ना बच्चा कितना प्यारा है। जब मुलायम बच्चा था ना, छोटा सा, बिल्कुल वैसे दिखता था। हमें ऐसा लगा दोबारा हमारे हाथों में मुलायम आ गया। क्या नाम रखी उसका? हम मुलायम से बात करते हैं। एक तरफ घर में खुशियां आई तो दूसरी तरफ गमों का बादल फट पड़ा। डॉक्टर साहब ने कहा कि मालती अब कभी बिस्तर से उठ नहीं पाएगी। सारे देश में हाहाकार मच चुका है। जयप्रकाश नारायण ने अपनी बीमारी के बावजूद भी जन आंदोलन की पुकार दे डाली है। बिहार और सारे देश के लोग एक साथ मिलकर जेपी का समर्थन कर रहे हैं। अब आज के मौसम का हाल। इमरजेंसी की सारी तैयारियां हो चुकी है। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, लालकृष्ण आडवाणी के साथ और भी नेताओं के वारंट्स निकल चुके हैं। हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। देश में अशांति ना बढ़े इसलिए ये कदम उठाना पड़ रहा है। मैडम प्राइम मिनिस्टर जी, बोलिए। इस इमरजेंसी की क्या जरूरत है? वैसे भी 71 से एक्सटर्नल इमरजेंसी तो पहले लगी हुई है। एक्सटर्नल इमरजेंसी से देश की अंदरूनी हालत पर काबू नहीं पाया जा सकता। नूरुल जी, जी यूनिवर्सिटी में जितने भी ऑपोजिशन पार्टी के प्रोफेसर हैं उन सब के नामों की लिस्ट मुझे चाहिए। जी
एंड मिस्टर गुजराल जी, दूरदर्शन और रेडियो पर जो भी खबर जाएगी उससे पहले मैं देखूंगा। ऐसे कैसे हो सकता है मैम? जब तक ये न्यूज रेडियो और दूरदर्शन दिखा ना दे, इसे कोई नहीं देख सकता। ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, यहाँ तक कि इसे मैं भी नहीं देख सकता हूँ। आप लोग देश चलाना नहीं जानते, नहीं जानते आप लोग। आप ऐसा कीजिए, एक ऑफिसर रख लीजिएगा, ब्रॉडकास्ट होने से पहले न्यूज रिपोर्ट पीएम रेसिडेंस तक ले आएगा। ओके मैम, थैंक यू। सिद्धार्थ, वेट फॉर मी। क्या हुआ? वहां से इस तरह से क्यों चले आए? जब तक ये प्रेस पर कंट्रोल नहीं होगा ना, यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन। ये छोटे बड़े जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स हैं ना, जस्ट पुट देम बिहाइंड बार्स एज सून एज पॉसिबल। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, कल ना ही ये सुप्रीम कोर्ट खुलेगा ना ही अखबार छपेगा। नाउ ग्रांट मी द परमिशन फास्ट। सर आपको पता है? What? सभी न्यूज ऑफिस की बिजली काट दी गई है, ऊपर से कल अखबार भी नहीं निकलेंगे। ये गलत बात है, हमारी प्राइम मिनिस्टर ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। सर कल अखबार भी नहीं निकलेंगे और कोर्ट भी नहीं खुलेंगे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कल अखबार नहीं निकलेंगे, कोर्ट नहीं खुलेगा। सिद्धार्थ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अखबार भी निकलेंगे और सारे कोर्ट्स भी खुलेंगे। जी मैडम। सिद्धार्थ, आई नीड टू एड्रेस द पब्लिक, और स्पीच भी ऐसी होनी चाहिए कि वो आसानी से समझ आए कि इमरजेंसी क्या है और क्या चाहिए। इसमें कुछ यंग लीडर्स हैं जो अभी भी फरार हैं, और वो ज्यादा खतरनाक है। एग्जैक्टली। और सुनिए, जितनी जल्दी हो सके उन्हें हिरासत में ले लीजिए। और वो अपने यूपी के लीडर कौन है? मुलायम सिंह। क्या हुआ उनका? मैडम जी, वो तो अच्छे लीडर है। अच्छाई और राजनीति रेल की पटरी की तरह होती है, साथ साथ जरूर चलती है, मिलती नहीं। चिंगारियां शोलों में बदल सकती है। बुझा दो सबको। प्राप्त सूत्रों के अनुसार देश के कोने कोने से सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। चौधरी चरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, कपूरी ठाकुर, इनको बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया गया है। बंद कर दो। इस पूरे इमरजेंसी के षड्यंत्र के बीच राजनीति में दांवपेच जरूरी जरूर होते हैं, लेकिन देश और संविधान के संग खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। सारे देश का बुरा हाल है, बैठे बैठा इमरजेंसी लगा के सबको मुसीबत में डाल दिया है, और अब तो हमारी तलाश शुरू हो चुकी है। मैं कहता हूं सैफई छोड़ के कुछ दिनों के लिए चले जाओ, और हां बट्टा गांव मत जाना। नहीं नथुराम जी, वहां तो मुझे जाना ही पड़ेगा। जात पात को लेकर काफी गर्मा गर्मी चल रही है वहां, कभी कुछ भी हो सकता है। और हां, इसमें पार्टी की सारी चीजें विस्तार में दी हुई हैं, मुझे कुछ हो गया तो
शुभ शुभ बोलो मुलायम। रखिए मैं चलता हूं। मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, पूरे सिस्टम को आपके पीछे लगा दिया गया है। अहमद, सियासत में हमेशा विचारों और आदर्शों की जंग होती है। सर, वो लोग आपको मारना चाहते हैं, ये आपकी सुरक्षा के लिए। अब तक तो मेरे नाम की सुपारी भी निकल गई होगी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं इंसान के मरने के बाद भी उसके विचार और उसके आदर्श कभी नहीं मरते। किसी ने खूब कहा है, You can kill me, but you cannot kill my thoughts. अहमद साहब, ये बंदूक आप ही को शोभा देती है। सर, भट्टा गांव जाने का इरादा छोड़ दीजिए। नहीं अहमद। सर प्लीज, आईबी की खबर है कि वो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। वहां जाना बहुत जरूरी है अहमद। मैं अपने गिरफ्तारी के डर से अपने आदर्श, अपने उसूल वो तो नहीं तोड़ सकता। जात पात ऊंच नीच उसको बढ़ावा नहीं दे सकता। वहां के लोगों से मिलना बहुत जरूरी है अहमद। और हाँ, उनको उनका काम करने दो, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा, परेशान मत हो। अपना ख्याल रखिएगा सर। जय हिंद। आप लोग तो हमें अपना मानते ही नहीं है, तो मेरे नाम का नारा लगा के क्या होगा? आप ही को अपना नेता मानते हैं साहब? तो फिर एक बात हमारी ध्यान से सुनिए, समाज और इंसानियत में जो बंटवारे हुए हैं उसको ऊपर वाले ने नहीं किया। इंसान इंसान के बीच दीवारें खड़ी करने पे लगे हुए हैं ये लोग, अपने खुद के फायदे के लिए। जात पात ऊंच नीच हिंदू मुस्लिम हद हो गई है। जब भी किसी जात की परछाई किसी और जात पे पड़ती है, आप लोग गंगा स्नान करने चले जाते हो अपने आप को शुद्ध करने के लिए। और जब किसी मरते हुए को खून की जरूरत होती है, उस वक्त आप लोग जात पात ऊंच नीच कुछ नहीं देखते। क्यों? तब क्या हो जाता है आपकी तुलनाओं को? एक बात याद रखिएगा आप लोग, हर इंसान के खून के अंदर एक तरह की कोशिका होती है, एक प्यार और मोहब्बत की कोशिका। मुलायम, मुलायम, पुलिस, मुलायम, मुलायम सिंह, मुलायम सिंह, मुलायम सिंह, हटो, मुलायम सिंह, पुलिस के गुंडा कर दे, पुलिस के गुंडा कर दे, पुलिस के गुंडा कर दे। राम, क्या बात है दरोगा साहब, कैसे आना हुआ? सर, आपकी गिरफ्तारी के आदेश हैं। सभी बड़े लीडर्स तो 32 छड़ के पीछे हैं, आपकी मैडम हमें भी नहीं बख्शेंगी, हमें अच्छी तरह पता था। आज उन्होंने हमें गिरफ्तार करा के हमें भी लीडर बना ही दिया, लेकिन हम अभी कहीं नहीं जाएंगे। नहीं सर, जाना तो पड़ेगा ही, गिरफ्तार करो। अरे अरे अरे, रुक जाइए दरोगा साहब, गांव वालों ने बड़े प्यार से पूरी भाजी बनाई है, थोड़ा खा के तो जाइए। अरे भाई साहब के लिए पूरी भाजी लेकर आओ, मेहमान है हमारे, आइए सर। सॉरी सर, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही। ईमानदारी की हम भी कदर करते हैं। मुलायम सिंह, मुलायम सिंह, मुलायम सिंह, पुलिस की गुंडा कर दे। कब से रोई जा रही हो, क्या बात है बेटा? अम्मा वो कब आएंगे? चल रोना बंद कर,
अम्मा उनको कुछ हो गया तो क्या करेंगे अम्मा? कुछ नहीं होगा उसे, तुम्हारा पति नेता है नेता, और नेताओं को तो जेल आना जाना पड़ता ही है बेटा। चलो रोना बंद करो, बस करना तेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। भाभी रोना बंद करो, देखो तू कितना रो रही है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, देश में इमरजेंसी की वजह से ये आंदोलन चल रहा है, बड़े बड़े नेता जेल में हैं, और उनमें से एक भैया भी हैं। आप चिंता मत कीजिए अम्मा, आप भाभी को संभालो, टीपू को सरला सुना दे। ठीक है मैं आता हूँ। सरला सुना ना शिव ने क्या कहा, चलो अभी आंसे पोछो, चलो बेटा और तेरी तबीयत खराब हो जाएगी ना। चलो अच्छा बच्चा मेरा, चलो रोना बंद करो, आ जाएगा मुलायम जल्दी से आ जाएगा बेटा। चुप कर। सरला क्या है? अरे ये अब तक सोया नहीं? क्या करूं, कब से सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, लगता है आज सोने के मूड में नहीं है। अच्छा तुमने कुछ खाया कि नहीं? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपके बिना हमने कभी खाना खाया? सरला कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें, ठीक है मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे कभी किसी दिन कुछ हो गया तो फिर क्या करोगी तुम? फिर ऐसी बात कभी मत कहिएगा। सरला तुम जानती हो ना कि तुम जानो हमारी, तुम जानते हो मुलायम, वक्त के साथ सरकारें बदलती रहती है, नए नेता आते हैं, लेकिन जनता का विश्वास कभी नहीं बदलता है, वो अपने रहनुमा को अपने नेता को अपना ही समझती है, लेकिन रहनुमा नेता जो भी कह लो उनको दगा ही देते हैं अपने फायदे के लिए। मेरा बहुत काम अधूरा रह गया है, वो काम पूरा करने के लिए मैंने तुम्हें चुना है। आशीर्वाद दीजिए सर। मंजली भाभी थोड़ा दही, मैं अभी आई। Thank you.
यहाँ की नारियों का आदर्श द्रौपदी होना चाहिए, सीता नहीं। नारियां इतिहास बदल सकती है, क्रांति लाती है। मुलायम देखो, इस देश को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की जरूरत है। मालती की हालत सुधर जाएगी डॉक्टर साहब, जब से अखिलेश पैदा हुआ है जो हालत बिगड़नी शुरू हुई है सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। आखिर कब तक एक इंसान जिंदा लाश बने बिस्तर पे पड़ा रहेगा डॉक्टर साहब? क्या कोई उम्मीद नहीं है? मुलायम सिंह जी, टॉक्सिमिया डिजीज ही ऐसी है, इसमें पूरे जिस्म में जहर फैल जाता है। ऐसे डिजीज से पीड़ित माओ की अक्सर मौत हो जाती है। आप फिर भी लकी हैं कि आपकी धर्म पत्नी अभी तक जिंदा है, और यह कोई चमत्कार से कम नहीं है। भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए। ठीक है डॉक्टर साहब, चलता हूं। जी नमस्ते। काफी इलाज हो रहा है लेकिन बिस्तर से उठने का नाम ही नहीं ले रही मालती। सारे प्रदेश की जिम्मेवारी, ऊपर से घर में ये परेशानी, समझ सकता हूं मैं तुम्हारे मन की हालत को। कभी कभी हम पॉलिटिशियंस को दोहरी जिंदगी जीनी पड़ती है मुलायम। ठीक कहा आपने सर, अपने दुखों को कभी कभी छुपाना पड़ता है क्योंकि औरों का भी तो दुख है। हाँ, और जनता की उम्मीदें भी तो बढ़ जाती हैं। लेकिन सर, वीपी सिंह जी जब से दिल्ली से आकर सीएम बने हैं प्रदेश की हालत तो बिगड़ती जा रही है। आज भी तो हाँ सर, कुछ अखबार में आया ना, 1-3 साल की बच्ची का रेप करके फिर उसे मार डाला। कोई अंकुश नहीं प्रशासन पे, क्राइम पे, सब हाथ से निकलता जा रहा है। ऐसा कैसे चलेगा? बड़ी बड़ी बातों से देश नहीं चलता सर। ये देश ऐसे नहीं चलेगा, हमें कमर कसनी है। लोगों का दिल जीतना बहुत जरूरी है और ये काम तुम्हें करना है मुलायम। ठीक है सर, चलता हूं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करो। यस सर। इस मुद्दे पर बात होगी। ओके सर।
अरे बस करिए सर, सर बस करिए। संतोष हुआ, तो बाबी वाली हिरण को कभी देखे हो? बाबी वाली? हाँ। नहीं तो सर। गजब का ठुमका मार दिया। सर जी चढ़ गई है आपको, चलिए बहुत देर हो रही है हमें। पहले पूरा गाना होने दे भाई। सर आप अभी बोलेंगे, पहले गाना खत्म होने दो, गाना खत्म होने के बाद बोलेंगे, दारू खत्म होने दो। सर जी बहुत काम है हमें, चलिए। अरे भैया गाना बंद करो ना। बंद कर दे। चलिए सर बहुत सारे काम है। साला पूरा गाना भी सुनने नहीं देता है। चलिए चल। आप भी बैठते हैं ना तो उठने का नाम नहीं लेते हैं। संतोष हुआ? हाँ सर। सबको उतारो। उतार दूं? हाँ। ए उतरो, चलो उतरो जल्दी से। अरे बारात में आए हो का, चलो उतरो, चल उतर जल्दी से, जल्दी उतर। लो आ गए सर। सबको छोड़ दो। छोड़ दे? हाँ छोड़ दो। चलो भागो। नहीं सर हम नहीं जाएंगे। अरे भागोगे तो बच जाओगे, चलो भागो। संतोष हुआ? हाँ सर। अब देख मेरा निशाना। आपका निशाना? हाँ। तो गजब है। चल असलम शेख, योगेश सिंह, और ये रजाक सर, वो सभी स्टूडेंट्स थे, सभी स्टूडेंट्स। सर ये है सरकार की नीति, हम सबने मिलकर गांव में जो हत्याएं हुई हैं उसका एक ब्यौरा जुटाया है। डाकू महावीर और छविराम के नाम पे इतनी हत्याएं, लोगों के दिलों में डर पैदा करने का इससे अच्छा तरीका सरकार के पास और क्या हो सकता है? मरने वाले स्टूडेंट्स हैं सर, और ये सरासर जुल्म है। मेरा एक मशवरा है, तुम लोग गवर्नर से जाके मिलो, और अगर जरूरत पड़े तो प्रदेश में जन आंदोलन छेड़ो। इंसानियत के नाम पर ये सब धब्बा है, धब्बा। सर मैंने सोचा है कि छविराम और महावीर से मैं खुद जाके मिलूं, लेकिन इसमें तो खतरा है। सर एक कोशिश तो करके देख सकते हैं ना, आखिर वो भी तो इंसान है। अच्छा अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो कोशिश करके देख लो, और हाँ सावधान रहना। जाओ। चलते हैं सर। खुश रहो। चलिए। खुश रहो। कुंदन सर, मेरा दिल कहता है कि ये मुलायम
आने वाले समय में मुलायम नहीं रहेगा, लोग नेताजी के नाम से जानेंगे इसे, नेताजी। सर जी चाय लीजिए। आपकी चाय? जी नहीं। सर इस तरह से उस डकैत से मिलना कहीं खतरनाक तो नहीं होगा? अभी प्रदेश के हालात जो सामने है, अगर उससे मुंह मोड़ लिया जाए तो हालात और भी बदतर हो जाएंगे। दरअसल वहां जाने का जो फैसला लिया है वो बिल्कुल ठीक है। हम जानते हैं आप कहां जा रहे हैं, चैन इस बात का है कि अहमद भाई आपके साथ हैं। अरे अहमद भाई की तो बात ही कुछ और है, उनका प्यार उनकी वफादारी अपने आप में अलग है। सरकार की नौकरी करते हैं लेकिन कभी कभी सरकार के खिलाफ भी चले जाते हैं, हमेशा सच्चाई के साथ दिया है उन्होंने। कभी कभी आपकी बातें सुनकर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, बिस्तर नहीं पकड़ते ना तो नहीं। तो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते। नहीं मालती, तुम हमेशा मेरे साथ हो मालती, हमेशा। अहमद भाई चले। जी जी चलिए आइए। जी भैया मैं भी चलूंगा। शिव तुम रहने दो। पर भैया शिव चलो। यही बात भैया की हमें पसंद नहीं आती, जिद करते हैं, सब खतरा अपने सर पर ले लेते हैं। भगवान न करे अगर उनको कुछ हो जाए तो, सुनते नहीं ये बात। काफी वक्त लग गया तुम लोगों को तलाश करने में, रात को ही निकले थे। आप लोग काय कष्ट किए साहब, हमको बुला लिया होता। नहीं छविराम, सर खुद तुमसे मिलना चाहते थे, ये इनकी मर्जी थी। आदेश कीजिए साहब, क्या करना है। तुम लोगों का नाम लेकर पुलिस डिपार्टमेंट जो गंदा खेल खेल रहा है उसे तुम अच्छी तरह से जानते हो, हाहाकार मचा दिया है। 418 लोगों को पुलिस ने मार दिया है तुम लोगों का नाम लेकर, ये गलत हो रहा है। जनता के अंदर डर फैलाई जा रही है। उनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स और मासूम बच्चे थे। ये पुलिस कर रही है, आप आई की पुलिस, आप तो बड़े साहब हो, रोकते काहे नहीं। ये एक खतरनाक राजनीति का हिस्सा है, आपको उड़ाने की साजिश है साहब। तुम्हारे ही अड्डे पे हूं, उड़ा दो साहब। चंबल के लोग मजबूरी में हथियार उठाते हैं, कोई शौक ना है। अच्छा सौदा हुआ होगा, बहुत सारा रुपया भी मिला होगा। ये गंदा खेल को रोकिए, दरअसल इसमें पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। देखो छविराम, मैं तुमसे बस यही प्रार्थना करने आया हूं, डकैती लूटपाट और अपहरण का जो गंदा खेल है उसे रोक दो। ये खेल खेला खातिर हमको मजबूर किया गया है, बड़ी जात के लोगों का जुर्म हमको बिहड़ का रास्ता दिखाता है। हम भूखा नहीं मरेंगे, और कौन चाहता है जंगलों में भूखा पेट पुलिस से टकराना। अब ऐसा नहीं होगा,
समाज में तुम लोग को इज्जत से जीने का मौका दिया जाएगा, ये वादा करता हूं मैं। बस अपने आप को सरेंडर कर दो, और जो बंदूक तुम लोग के कंधे पर रखकर चलाई जा रही है उसका मौका अब ना पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगा और ना पुलिस वालों को। आपका हुक्म सर आंखों पर। गजब हो गया, लगता है टायर बस्ट हो गया। अब क्या होगा? देखते हैं। टायर पंक्चर हो गया। हे भगवान। स्टेपनी भी पंचर है। अब क्या होगा? अब होगा क्या, टायर ही बदलेंगे। इधर ना नजदीक में शहर है, कोई ना कोई दुकान जरूर होगी। मैं टायर बदलने जा रहा हूँ, यूं गया यूं आया। जल्दी से आना, जल्दी आना। ओके, हम बैठते हैं। देखो गाड़ी से उतरना मत। गजब माल है ना? अरे सर जाइए, अपना जलवा दिखाइए सर। अंदर से कोई बाहर ना सके। आप नीचे उतरेंगी या हम आपको उतारें? ए! ए! हम आज की लड़की हैं, कोई ऐसी वैसी मत समझना। और दोबारा छूने की कोशिश की ना तो साला छील के रख देंगे तुम दोनों को। तुम दोनों निकलो यहाँ से, अब जाओ। बहुत जान है भाई, बहुत गर्म है, हाथ में जान है। चलो गलती हो गई द्रौपदी जी, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। चलो भाई चलो चलो। अंदर से कोई बाहर ना आ सके। माया, माया क्या हुआ, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? ईश्वर, यहाँ पे दो आदमी आए थे, मैंने उनमें से एक को चांटा मारा और मुझे बहुत डर लग रहा है। ईश्वर तुम जल्दी से टायर चेंज करो और चलो यहाँ से, ये एरिया कुछ सही नहीं है। तुम चलो, डरो मत, मैं जल्दी करता हूँ। तुम आओ आओ, बैठो 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 बैठो, मैं जल्दी टायर चेंज करता हूँ, निकलते हम लोग यहाँ से। हाँ ईश्वर जल्दी करो, जल्दी करके निकलते हम लोग यहाँ से। हाँ गोपाल सिंह को तुमने थप्पड़ मारा था। चलो सर नीचे। चुप। ये द्रौपदी का क्या करना है? द्रौपदी का तो वस्त्र हरण। द्रौपदी का वस्त्र हरण। हीरो फ्री मत करना, तो तेरी गोली मारेंगे। नो डायलॉग, सीधा एक्शन। Ha 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 ha!
इंसाफ मिलेगा तुम्हें। जिन्होंने ये जुल्म किया है सजा दिलवा के रहूंगा मैं। चाहे वो जो भी हो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। नारी का ऐसा अपमान मुलायम सिंह ने ऐसा कभी बर्दाश्त किया है और न करेगा। नारियों पे जुल्म करने वालों को जीने का कोई हक नहीं है शिव, कोई हक नहीं है। गली गली कस्बे से कल नारियों के सम्मान में जुलूस निकालो, कल थाना घिराव होगा। भैया थाना घिराव बोल दिया ना, बस इस हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बेहद शर्मनाक घटना है। जब से बीपी सिंह साहब को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना के बिठाया गया है तब से सारे प्रदेश का यही हाल है। जनाब आए दिन बॉम्बे में पड़े रहते हैं। बहाना ये कि भाभी जी की तबीयत खराब है। उत्तर प्रदेश तो अभी पुलिस के ठेकेदारी में चल रही है। मुलायम मैंने उत्तर प्रदेश बीके जी का तुम्हें अध्यक्ष बनाया, अब जो चाहे तुम निर्णय लो, तुम्हें पूरी आजादी है। सर कल बागपत थाने का घिराव होगा, आप तो जानते हैं सरकार बीकेडी की मदद से बन रही है, असर हो सकता है। सरकार ने हुकूमतें नारी सम्मान के लिए उनकी सुरक्षा के लिए बनाई जाती हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं, नतीजा चाहे जो भी हो। चलता हूं। कुंदन जी। सर कल ये जो प्रदर्शन होगा ना, इसकी मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। नारी सम्मान, नारी सम्मान, यूपी पुलिस, यूपी पुलिस, नारी सम्मान, मुलायम सिंह, मुलायम सिंह, मुलायम सिंह, इसका जलवा कायम है, इसका जलवा कायम है, इसका जलवा कायम है। देखिए आप लोगों की मदद से सरकार बनी है और आप इस तरह से मोर्चा निकाले बैठे हैं। जो समाज नारी का सम्मान नहीं कर सकता उस समाज की नींव कमजोर होती है और नारी के साथ होने वाला हर अन्याय बुजदिली की निशानी है। किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी होती है नारियां और उन्हें सर आंखों पर बिठाया जाना चाहिए। उनके खिलाफ उठने वाली हर गंदी नजर चला के राख कर दो, यही हमारी संस्कृति होनी चाहिए, समझे? सर आप इनको बढ़ावा दे रहे हैं, ये आग फैली तो पूरा प्रदेश जल जाएगा। सर फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, इन तीन शब्दों का अर्थ समझती है यूपी पुलिस? आज मैं ये कहने पे मजबूर हो रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इंसानियत के नाम पे कलंक है, कलंक। और ये संग्राम तब तक नहीं रुकेगा
जब तक उन दोषियों को सजा नहीं मिल जाती। यूपी पुलिस, हाय हाय। यूपी पुलिस, हाय हाय। महिलाओं पे अत्याचार, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। महिलाओं पे अत्याचार, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। यूपी पुलिस, होलावा। यूपी पुलिस, होलावा। मुझे ये बताइए, बॉम्बे आने जाने से आपको फुर्सत मिलती है मिस्टर सिंह? कहा था ना मैंने, चिंगारी शोला बनेगी, बन गई शोला। उत्तर प्रदेश हाथ से निकल गया। सर, श्रीपति मिश्रा को सीएम बना दिया गया है, वीपी सिंह रिजाइन कर गए। डाकुओं से कत्लेआम करवाएंगे तो और क्या होगा, वो भी डीएसपी सिंह जैसे निर्दोष व्यक्ति का, ये तो होगा। देवलिया की शर्मनाक घटना किसी भी सरकार को पलट सकती है। मैडम भी उसी दिन मर गई थी जिस दिन गलत काम और गलत लोगों से हाथ मिलाया था। नमस्कार। अरे अजीत, तुम कब आए जर्मनी से? प्रणाम बाबू जी, खुश रहो। पढ़ाई खत्म कर ली, फिर कुछ दिन यूएस में नौकरी भी कर ली, फिर बाबूजी ने बुलाया तो आ गया अपने देश वापस। क्या बात है, राजनीति के दांव पे सीखने हैं ना, तो मुलायम के साथ खड़े हो जाओ। मेरे अंदर भी आप ही का खून है बाबूजी, तो मेरे सेल्स में भी राजनीति ही होगी। ये भी सही है। तुम्हारा इंतजार कर रहा था, एक बड़ा निर्णय लेना है जी। दिल्ली में बैठे लोगों की नजर तुम पर है मुलायम, इसलिए तुम्हें विपक्ष का नेता बनना है। इस सरकार का मुंह तोड़ जवाब देना तुम्हारे बस का है। बाबूजी, आई डोंट थिंक सो, इस मीटिंग में मेरा कोई काम है, मैं बाहर हूं, आप मीटिंग खत्म कर लीजिए, आई एम वेटिंग आउटसाइड। खतरा बहुत है, मैं तुम्हारी सिक्योरिटी का इंतजाम करवा देता हूं, पक्का विश्वास है मुझे, अगर तुम केंद्र में पहुंच गए तो उनकी ईंट से ईंट बजा दोगे। सर, कोशिश पूरी रहेगी कि आपका विश्वास ना टूटे, बस आपका आशीर्वाद चाहिए सर। चलता हूं सर। हाँ, खुश रहो। भैया आपने बुलाया? शिव जी, जो जिम्मेदारी हमें मिली है उसे लेकिन हमें मिलकर पूरी करनी होगी जी। उत्तर प्रदेश सहकारिता विभाग के जरिए हम बहुत जल्द प्रदेश की गरीबों की हालत ठीक कर देंगे। भैया, ये गरीबी दीमक की तरह चाट रही है हमें। ऐसी बहुत सारी जिम्मेदारी सौंपनी है तुम्हें शिव, और उसे तुम्हें पूरी लगन और ईमानदारी से पूरी करनी होगी जी। ये लो भैया, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जा जी। जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और जिम्मेदारियों के साथ साथ पावर भी तो बढ़ गया है मुलायम।
सुना है पावर मेक्स अ मैन ब्लाइंड, तुम्हें दिख रहा है ना ये सब, ये सब जो तुम देख रहे हो उनसे आंखें कभी मत बंद करना। दुनिया का एक उसूल है, उसे कभी मत भूलना। उसूल बराबरी का, तराजू में एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम हो तो क्या करोगे? ज्यादा से निकाल कर काम को बढ़ा देंगे सर। करना मुश्किल है मुलायम, बहुत मुश्किल है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए सर। जमाना चाहता है वजन हर शय का बराबर हो, घटा देता है आला को, बढ़ा देता है अदना को। कोशिश करो मुलायम, कामयाब होगे। खाना बढ़िया था ब्लॉक प्रमुख के यहाँ, क्यों? जी भैया। और वो इलाहाबाद का अमिताभ, वो तो 9 लाख कार ऐसी बांट देते हैं। भैया सोचो, शिव मेरी बात ध्यान से सुनो, शिव बाहर जाके सोचो तो चिल्लाओ कि मुलायम जी मर गए, मुलायम जी मर गए। शिव जैसा बोल रहे हो वैसा करो। मुलायम जी मर गए, मुलायम जी मर गए, मुलायम जी मर गए। अरे मार दिया मुलायम जी को, गोली लग गई है मुलायम जी को, मर गए मुलायम जी, गोली लग गई मुलायम जी को, मर गए मुलायम जी। राजनीति छोड़ कह नहीं देते। राजनीति छोड़ने का मतलब सच्चाई से मुंह मोड़ना है मालती। तुम क्या चाहती हो, लोग मेरे बारे में बातें करें, यही चाहती हो तुम? भैया। हाँ शिव आओ। भैया टीपू के स्कूल में बात हो चुकी है, अच्छा स्कूल है और वहां पर सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त हो चुका है। कल मैं और सल्ला जाकर उसको छोड़कर आ जाएंगे। आप लोगों ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। भाभी ये मेरा नहीं भैया का फैसला है। कभी कभी हमें जिंदगी में कुछ चीजों से समझौता करना पड़ता है। भैया हमने टीपू को सब समझा दिया है कि उसे स्कूल क्यों भेजा जा रहा है। इतना छोटा सा बच्चा समझ गया उसे घर से इतना दूर काहे भेजा जा रहा है, लेकिन ये बात बेटा हमारी समझ में नहीं आई। अम्मा सिर्फ एहतियात बरती जा रही है, जब आदमी की तरक्की होती है ना तो उसके बहुत दुश्मन भी होते हैं। ई लियो हमार इतना सा टीपू, उसका कौन दुश्मन हो सकता है? वक्त हालात, घबराओ नहीं अम्मा, टीपू छुट्टियों में आता जाता रहेगा। अच्छा भैया चलते हैं। अम्मा जी प्रणाम। मैं पटे ठीक संभल के जाना।
आओ आओ मुलायम, आज रास्ता कैसे भूल गए? हमारे घर क्या लोगे? चाय, कॉफी या और कुछ? चूहे बिल्ली का जो खेल है ना, उसे खत्म कर दीजिए। दो बार मारने की कोशिश कर चुके हैं आप, और दोनों बार ही नाकाम रहे। आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। कोई गलतफहमी नहीं है, इतना बता दे, अगर मैंने कोशिश की ना तो खेल वहीं खत्म हो जाएगा। आज आपके घर में खड़ा हूं, निहत्था, मार दो मुझे, मगर कहानी यहीं खत्म करो। राजनीति में कहानी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती, पुश्ते दर पुश्ते चलती रहती है। वही बताने आया हूं मैं, इस देश को आप जैसे पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। खून खराबे से कुछ नहीं होगा, आप एक अच्छे वकील हैं, उस वकील को मरने मत दीजिए। जो मैंने कहा उसको दिमाग से नहीं, दिल से सोचिएगा। चलते हैं। सर, कुछ खास बात? हाँ अहमद। सर, यहाँ पर और इस वक्त? यहाँ मैं अक्सर आया करता हूँ अहमद, एक अलग ही सुकून मिलता है। अहमद, इस दुनिया में दोस्त बनाना बहुत मुश्किल हो गया है, दुश्मन बड़ी आसानी से बन जाते हैं। सर, आपके ऊपर दो दो बार जानलेवा हमले हुए, लेकिन आपने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। आपको पता है कि इसके पीछे किसका हाथ है? एक नेता का फर्ज होता है कि वो दुश्मन को भी दोस्त बना ले। मुझे यकीन है कि लखन सिंह अब चूहे बिल्ली का खेल कभी नहीं खेलेगा। सर, ये अजीत सिंह जो कभी कभी इंसान की लालच उसे खुद अपनी नजरों में गिरा देती है अहमद, चौधरी जी की बात ही कुछ और है, लेकिन एक बेटे के मुंह में कभी कभी बाप भी कमजोर पड़ जाता है। मुलायम सिंह, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे लिए आपको इतनी देर तक इंतजार करना पड़ा। तो बताइए, व्हाट इज अर्जेंट, क्या बात है? अजीत जी, आपको नहीं लगता हमारे आपसे टकराव में हम कमजोर पड़ जाएंगे? तकरार तो कभी थी ही नहीं। तकरार है तो वो है उसूलों की, हक की। लोक दल चौधरी साहब का था, है और आगे भी रहेगा। पिछले चुनाव में 85 सीटें जीती थी मैंने, और वो भी अपने दम पे। जसवंत नगर से 63,000 वोटों से जीता था मैं। तब चौधरी साहब ने कहा था, मुलायम इस पार्टी को मरने मत देना, इसे जिंदा रखना। उनकी नजर में इस पार्टी का वारिस मैं ही था और हूं। वो अक्सर कहा करते थे, अजीत तो कॉरपोरेट सेक्टर में है, अमेरिका में नौकरी कर रहा है, सियासत में आने के लिए जनता की नब्ज समझनी पड़ती है अजीत जी, लोगों का दिल जीतना पड़ता है। तो इन शॉर्ट, आप मुझे चुनाव लड़ने से रोकना चाहते हैं, है ना? बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा और ना सोचूंगा। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहां वाजिब चीज करने की सबको छूट है। चलिए, दिल्ली पहुंचने तक मैं आपके साथ हूं। देखिए मुलायम जी, अच्छा तो यही होगा कि हर आदमी अपनी अपनी मंजिल खुद ही तलाश कर ले। प्लीज।
वैसे भी पार्टी मेरे बाबूजी। पार्टी किसी की नहीं होती अजीत जी। जो लोगों का दिल जीतता है पार्टी का नेता वही होता है। चलते हैं। That's a clear difference between a wrestler and a politician. अजीत सिंह भी इलेक्शन में। आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। बीकेटी के सारे ऑफिसेज में ताला लगाकर उन पे कब्जा कर लिया है। सही नहीं किया मुलायम ने। नथुराम जी समय आ गया है डंके पे चोट करने का। क्रांति रथ की तैयारी करते हैं। ऐसे क्रांति रथ से अजीत सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रांति रथ ये वो हल्ला बोल है जो देश प्रदेश के लोगों की जमीर जगा देगा। एक नई क्रांति लाएगा और इस क्रांति में हर किसी का स्वागत है जो इस देश से प्रेम करता है। पहचान ही तेरी शान है रक्षक है तू सबकी हिफाजत करने वाला ताकत है तू। ना उम्मीद को दे उम्मीद तू हर किस्मत तेरे दम से खुले। लक्ष्य जो तेरा है ख्वाब बन के वो आंखों में सबके जगे। नथु जी का कमाल है। जिंदाबाद मुलायम सिंह। 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 जिंदाबाद। हेलो। कांग्रेचुलेशंस मुलायम जी फॉर योर ग्रेट सक्सेस। आपको भी बधाई हो अजीत जी। आपको भी। सुना है केडी सिंह स्टेडियम दुल्हन की तरह सज रहा है। आप वहाँ पे शपथ जो लेने वाले हैं आपका भी स्वागत है वहाँ पे अगर आप चाहें तो। फैसला कर लिया मैंने दिल्ली जा रहा हूं लेकिन मेरी निगाहें आप ही के ऊपर रहेंगी। हम भी जा रहे 7 दिसंबर सिफाई अपने लोगों से मिलने क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते। धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। मैं आज यहाँ इसलिए हूँ यह आपका आशीर्वाद है। नेताजी।
आभारी हूँ मैं आप सबका। मैंने कोई चुनाव नहीं जीता, जीता है तो सिर्फ आप लोगों का प्यार। चुनाव जीतना बहुत आसान है लेकिन दिल जीतना बहुत ही मुश्किल। आपका प्यार, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद चाहिए। और जिस दिन आपको लगे कि मैंने आपका विश्वास तोड़ा है, तब याद रखिएगा डॉक्टर लोहिया जी की वो बात, जिंदा कौमे 5 साल तक इंतजार कभी नहीं करती। जिसका जल वो कायदा जीवन युद्ध का तू है सिपाही, रुके ना रुके तू कभी, झुके ना हारे ना हमराही। तेरी शान है रक्षक है तू, सबकी हिफाजत करने वाला ताकत है तू। तेरी तरफ जो राह मुड़े वो मंजिल तक पहुंचाए तुझे, ना उम्मीद को दे उम्मीद तू, हर किस्मत तेरे दम से खुले। लक्ष्य जो तेरा है ख्वाब बन के वो आंखों में सबके जगे। जय हो।